हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होता क्या है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट करते समय क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए, सऊदी लेबर लॉ में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, और अगर कंपनी एम्प्लॉयर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर वर्कर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर रिजाइन देता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर एम्प्लॉई वर्कर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा सारे सिनेरियो को कंसिडर करके कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो पहले बात करते हैं एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होता क्या है। जब भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर वर्कर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो रहा होता है, दूसरे भाषा में ये समझिए कि जब जब काम से हम छोड़ते हैं या फिर वो हमें काम से निकालते हैं, तो उस समय कंपनी का ये एक ड्यूटी है, ये एक ऑब्लिगेशन है कि वो वर्कर को एक अमाउंट दे, ग्रेजुएटी के फॉर्म में एक अमाउंट दे, जिसे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बोलते हैं। ओके, डोमेस्टिक वर्कर के लिए ये थोड़ा सा अलग है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स जो है तीन पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसने टर्मिनेट करा, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन बाद टर्मिनेट हुआ, और आपने वर्कर ने कितना अनपेड लीव लिया है। ये तीन जो पैरामीटर है इसी पे सारा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट होता है। ओके, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ बेसिक ही माना जाता है, जो बेसिक सैलरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में बेसिक प्लस जो फिक्स्ड अलाउंस है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हाउसिंग, ये फिक्स अलाउंस है, वो भी जोड़ा जाता है। आपका बेसिक प्लस जो फिक्स अलाउंस रहता है वो सारे को जोड़ के एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल अलाउंस है, जैसे कि इंसेंटिव्स हो गए, बोनस हो गए, ये सारे नहीं जोड़े जाते। अगर कोई कंपनी बेसिक पे अगर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट करता है तो वो एक वायलेशन है। ओके ओके, अब ये एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट्स दोनों अलग अलग है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में एंड ऑफ सर्विस एक पार्ट है। ओके, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में बहुत सारे चीज़ जोड़े जाते हैं। आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स जोड़े जाते हैं, अगर आपके पास कोई पेड लीव है जो आपने नहीं लिया है वो आपके जोड़े जाते हैं, अगर आपके कुछ बचे हुए सैलरीज हैं वो जोड़े जाते हैं, और भी जो बचे हुए अमाउंट है आपके वो सारे चीज़ जोड़ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए। मोस्टली जो रेसिडेंट हैं, वर्किंग रेसिडेंट हैं, जिनके पास इकामा है और सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग एलिजिबल हैं एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए। लेकिन जो बिजनेस वीज़ा में है, चाहे कोई कंसल्टेंट हो, वो सारे लोग एलिजिबल नहीं है। हाउस वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर है, हाउस ड्राइवर या फिर हाउस मेड है, वो भी एलिजिबल हैं एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए। ओके, सऊदी लेबर लॉ में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 85, जिसमें एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। आर्टिकल 84 में ये बताया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उस केस में क्या कैलकुलेशन का क्राइटेरिया रहेगा, और आर्टिकल 85 में ये बताया गया है कि अगर कोई वर्कर, अगर कोई एम्प्लॉई अगर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही अगर छोड़ देता है तो उस बेस में क्या कैलकुलेशन का मेथड रहेगा। पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 84 को। आर्टिकल 84 में ये बताया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है उस केस में जो वर्कर है उसे कितना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलना चाहिए। पर ईयर हाफ सैलरी मिलता है वर्कर को एज एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट 5 साल तक, मतलब पहला साल
हाफ सैलरी, दूसरा साल हाफ सैलरी, तीसरा, चौथा, पांचवा साल तक हाफ सैलरी, और जैसे ही सिक्स ईयर शुरू होता है तो हर एक साल एक सैलरी। ये आर्टिकल 84 में इन्होंने बताया है। ओके, जब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आर्टिकल 84 में ये बताया है कि हर एक साल एक एम्प्लॉय को हाफ सैलरी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलना चाहिए पांच साल तक, और सिक्स साल से पर ईयर एक सैलरी मिलना चाहिए। ओके, आर्टिकल 84 ये था। आर्टिकल 85 में ये बताया कि अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉई अगर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही टर्मिनेट करता है तो उस केस में क्या कैलकुलेशन का मेथड होगा। अगर कोई दो साल से पहले अपना वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे दो साल से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसको कोई एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई दो साल से पाँच साल के बीच में अगर अपना एंड ऑफ सर्विस अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसे सिर्फ 33% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर टोटल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट अगर 10 रियाल होता है तो उसको 33% ही मिलेगा, मान लीजिए 3.3 रियाल ही उसको मिलेगा। और अगर 5 साल से 10 साल के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो उसे 66% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। अगर टोटल जितना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होता है, आर्टिकल 84 में बताया गया था कि कितना होगा, तो उस बेस में अगर आपका मान लीजिए 10 रियाल होता है तो 6.6 रियाल आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई 10 साल के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन पूरा भी नहीं होता है, तभी भी अगर 10 साल के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसको 100% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। तो इसका एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। अगर दो साल से कम ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ता है तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर दो साल से पाँच साल के बीच में अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करके अगर टर्मिनेट करता है तो सिर्फ 33% एंड ऑफ सर्विस मिलेगा टोटल एंड ऑफ सर्विस का वैल्यू अमाउंट से। और अगर 5 साल से 10 साल के बीच में अगर करता है तो 66% खाली एंड ऑफ सर्विस मिलेगा, और 10 साल के बाद कभी भी अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो 100% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। ये था आर्टिकल 85। दो आर्टिकल है जिसमें बहुत ही क्लियरली ये बताया गया है। अगर अभी ये बात करते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर अगर कंपनी टर्मिनेट करता है तो उस केस में क्या होगा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। इसमें ध्यान से समझने वाला बात यह है कि अगर कंपनी आर्टिकल 80 के बेस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, या आर्टिकल 80 में बहुत सारे कंडीशंस लिखे गए हैं, अगर उस बेस पे अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो वर्कर को, एम्प्लॉई को जीरो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। आर्टिकल 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कंपनी एम्प्लॉयर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है आर्टिकल 80 के बेस पे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट, वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करता है म्यूचुअल कंसर्ट से, मतलब दोनों पार्टी राजी है, वर्कर भी राजी है, कंपनी भी राजी है, एज पर आर्टिकल 74 सऊदी लेबर लॉ का जो आर्टिकल 74 है, तो उस केस में फुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, चाहे कोई भी हो, ओके, तो उस केस में आपको पूरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। वही बेनिफिट्स है कि अगर मान लीजिए 15 महीने बाद अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो 15 महीने के बेस पे कैलकुलेट होगा। हर साल आपको आधा सैलरी मिलता है तो 15 महीने के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको फुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। फिर से बताता हूँ, अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है एज पर आर्टिकल 80 तो जीरो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आर्टिकल 80 के अलावा अगर कोई भी म्यूचुअल कंसर्ट से दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं, इसके बाद अगर टर्मिनेट करता है तो फुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा।